वेलकम टू सुनीता रस वर्ल्ड। हाय, मैं हूँ सुनीता रस। आज मैं आपके लिए नवरात्रि स्पेशल और पौना संक्रांति स्पेशल पौना लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ और क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज करती हूँ। ये है छेना या पनीर, ये मैंने घर पे मिल्क को कड़ल करके बनाया हुआ है। ये दही मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। शुगर और यह ग्रेटेड कोकोनट और कुछ ग्रेप्स लिया हुआ है मैंने। और ये एप्पल को मैंने कटी हुई है, छोटा छोटा पीस कर दिया है। और इलायची पाउडर, क्रस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और ये है कैश्यू नट को मैंने बारीकी कटी हुई है, देखिए। और ये कुछ आलमंड्स को मैंने कटा हुआ है। और ये रेजिन्स, ये आपका पचा कर्पूरम जो खाने में डालते हैं, एक पिंची डालना है इसको। एक छोटा स्पून मैंने अदरक का कद्दूकस करके लिया है। और जो आपका वाटर है, जितनी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपके पास कुछ मिठाई वगैरह है तो आप डाल सकते हैं, या डेट्स वगैरह है तो डाल सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इस अवेलेबल चीज़ के हिसाब से डाल रही हूँ। एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेना है, आधा कप कर्ड हम यूज करेंगे। अब आपको जितनी स्वीटनेस चाहिए आप उसी हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। अब हम शुगर और कर्ड को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, जैसे शुगर उसमें डिसॉल्व हो जाए। अब हम डालेंगे छेना। छेना को थोड़ा सा हम स्पून में ही क्रश कर देंगे और उसको डालेंगे। ज्यादा ग्राइंडर में हम पीसेंगे नहीं, स्पून से जो क्रश हो जाएगा उतना ही, उतने में ही बन जाएगा। हम अब आधा ग्लास करीब वाटर डालेंगे उसमें। आप देखिए, अगर ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा और डाल सकते हैं। ये मेरा कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब हम उसमें हैंडफुल क्वांटिटी ऑफ ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे और थोड़ा सा मैं बचा के रख रही हूँ ताकि लास्ट में गार्निश कर सकूँ। एक स्पून आपका कटी हुई आलमंड डालना है। उसके बाद हम डालेंगे कैश्यू नट 1 स्पून और रेजिन्स, हम कुछ रेजिन्स डालेंगे। और अदरक जो कटी हुई रखी थी उसको भी डाल देंगे, ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद इलायची जो है, इलायची पाउडर भी डालेंगे इसमें। सारा इंग्रेडिएंट्स थोड़ा थोड़ा मैंने बचा हुआ है उसको मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। अब देखिए, मैंने ग्रेप्स डाल दिया है और कटी हुई एप्पल्स भी डाल देंगे। अगर आपके पास कुछ और फ्रूट्स भी है, जैसे बनाना हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, आप डाल सकते हैं। अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, है ना, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला है, एकदम बराबर की है। अब थोड़ा सा एक पिंची डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये पचा कर्पूरम हम डाल रहे हैं। अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए, ये मेरा बन गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा गार्निशिंग कर देती हूँ। जो लेफ्ट ओवर था उस सारे मैंने डाल देती हूँ इसके ऊपर। ये बहुत ही हेल्दी है, सारा फ्रूट्स भी है, कॉर्ड भी है और नट्स वगैरह भी है। आप फास्ट के लिए भी बना सकते हैं इसे। मैं पौना संक्रांति के लिए बना रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए।